हेलो एडिटर्स, कैमन अच्छा तुम्हारा सब। आज मैं क्रिएट करूंगा एक गन फॉर बम ब्लास्ट इफेक्ट लाइक दिस। After effect भी लाइक अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो इसको हम क्रिएट करेंगे कैपकट, क्योंकि अलर्ट मेंशन को देखकर तो आपको फट जाता है। नहीं अबे साले, जितना भी मैं मटेरियल यूज करने वाला हूँ उसको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नहीं है तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो सॉन्ग रहेगा उसको ऐड कर लेना है, एंड सॉन्ग के बाद बीटमार्क को भी ऐड कर लेना है। बीटमार्क्स को ऐड करना हर एक नोबड़े को आता है। तो उसके बाद आपको बीटमार्क के सबसे की फ्रेम सेट करना है, ठीक है। मतलब अपना वीडियो को ट्रैक करना है आप किस जगह पर बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देना है, एंड इसका आगे की फ्रेम ऐड कर देना है। ओके, आप जिस भी क्लिप में ये बॉम्ब ब्लास्ट इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं वो क्लिप का लेंथ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो मेरा जो क्लिप है ना ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं पहले से जूम कर रखा हूँ इतना सा। तो ऐसे आपको अपना क्लिप को चूज करना है जिस क्लिप में वाइड एंगल रहेगा। देन आपको यहाँ पे चले आना है एंड एक की फ्रेम ऐड कर देना है, एंड यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। तो जो की फ्रेम्स का गैप्स रहेगा वो आपको उतना ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। देन आपको ये वाला की फ्रेम में चले आना है। मैं जो फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट है वो दूंगा यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर मैं फिर से की फ्रेम सेट कर लूंगा, एंड इसको मैं दूंगा सीधा लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर लेकर आऊंगा वीडियो, तो एक होगा राइट में एंड एक होगा लेफ्ट में, देन एक मैं सामने लाऊंगा, ठीक है। एंड सामने में मैं एक दूंगा यहाँ पर और एक की फ्रेम सेट करूंगा, एंड इसको भी मैं सामने दूंगा बट थोड़ा सा इधर में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर दिक्कत ये आता है कि अगर आप लोग पीसी में इसको रीडिंग करते हैं अपना एड्रेस में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बैकग्राउंड है इसको रिमूव करके आप बाइक का पीछे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। तो कैपकट में क्या हो रहा है कि जब मैं इसको कॉपी करके रिमूव बैकग्राउंड करके रीडिंग कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करके देखा। तो कोई बात नहीं यार, आप जब वीडियो को शूट करेंगे तो ज़्यादा वाइड एंगल में शूट करना, मतलब ज़्यादा एरिया होना चाहिए फोर बॉम्ब ब्लास्ट को ड्रॉप करने में। तो आपको सिंपली अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट वाला ग्रीन स्क्रीन रहेगा उसको आपको ऐड कर लेना है, एंड इसका भी लिंक मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे। एंड ये जो इफेक्ट्स है ना ये मैं खुद से क्रिएट किया हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है आप जितना भी यूट्यूब पर सर्च कर लो ये वाला जो ग्रीन स्क्रीन है आपको मिलेगा ही नहीं। तो पहले मैं इसको कट कर लेता हूँ, जहाँ से आएगा बॉम्ब ब्लास्ट इफेक्ट उसको मैं पहले कट कर लूँगा। तो मैं इतना देख के रखने वाला हूँ। देन उसके बाद आपको इसके ऊपर चले जाना है, एंड इसका जो स्पीड रहेगा उसको पहले आपको माइनस कर देना है। 3.7s तक मैं इसको कर दिया हूँ। ओके, द राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन चले जाना है इसका क्रोमा की में, कटआउट में चले जाना है। देन क्रोमा की जो ग्रीन का एरिया है उसको ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। इंटेंसिटी में चले जाना है, एंड इंटेंसिटी में जाने के बाद इसका जो इंटेंसिटी रहेगा उसको रख लेना है 87, या फिर आपको 80 के आसपास रख लेना है, ठीक है। शैडो में क्लिक करना है एंड शैडो को रखना है 25 के आसपास। देन आपको राइट के ऊपर क्लिक करना है, एंड अभी आपको देख लेना है कि किस तरीके से हमारा रिमूव हुआ है। एंड आप यहाँ पर जितना भी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लो ना, थोड़ा सा तो ग्रीन का पार्ट दिखाई देगा। कोई बात नहीं यार, हम तो प्रो एडिटर्स हैं, हम चले जाएंगे इसका एडजस्ट में, देन चले जाएंगे HSL में, एंड जो ग्रीन रहेगा उसको सिलेक्ट करके इसका सेचुरेशन को माइनस कर देना है। तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएंगे। देन इसके ऊपर क्लिक करना है, अभी आपको इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो देख लेना है कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर इसको यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो इसके लिए ओके, तो अभी ठीक आ रहा है। एंड उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है, एंड कॉपी करने के बाद अभी इसको आपको यहाँ पर लेके आना है लेफ्ट साइड में। आपको अपना बीटमार्क के हिसाब से इसको मैच करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको कॉपी कर लेना है, एंड इसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। तो अभी हमारे यहाँ पर फास्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वीडियो फास्ट में जूम हो रहा है। देन उसके बाद अगेन इसको कॉपी कर लेना है, एंड इसको आपको यहाँ पर लेके छोड़ देना है। देन इसको अभी आपको यहाँ पर रखना है। देन जो लास्ट वाला रहेगा इसको थोड़ा सा जूम कर देना है। ओके, देन अभी हमारा काम आधा कंप्लीट हो चुका है। आपको अगली बार ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका ड्रॉप हो रहा है वहाँ पर जो बीट मार्क है उससे आपको मैच कर लेना है, तभी ये बढ़िया देखेंगे। देन उसके बाद चले जाना है इसका इफेक्ट्स में, एंड VPN कनेक्ट होना जरूरी है। चले जाना है नाइट क्लब में। देन यहाँ पर देखा देगा पल्स, तो पल्स 2 के ऊपर क्लिक कर लेना है, राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, एंड इसको भी आपको छोटा कर लेना है। उससे पहले चले जाना है इसका एडजस्ट में, एंड उसके बाद जो इसका स्पीड रहेगा उसको आपको जितना रहेगा उससे आपको थोड़ा सा कम कर देना है। देन जो इंटेंसिटी एंड एटमोस्फियर रहेगा उसको आपको उतना ही रहने देना है। देन जो ग्लो इफेक्ट रहेगा उसको थोड़ा सा कम कर देना है 30 के आसपास। देन जो ट्विस्ट रहेगा उसको भी आपको थोड़ा बहुत माइनस कर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा माइनस करना है 30 के आसपास। देन उसके बाद जो नीचे रहेगा लिटरियल क्या लिखा है यार, जो भी रहेगा उसको थोड़ा सा आपको कम कर देना है। ओके, देन आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड अभी आपको इसको काट कर लेना इफेक्ट को अच्छे से। देन उसके बाद इसको आपको जो बीट मार्क रहेगा उसके हिसाब से मैच करके लगा देना है, ठीक है। एंड सॉरी मैं बताना भूल गया कि इसको पहले आपको कर लेना था ऑल वीडियोस में। देन क्या एडिटर बन पाऊंगा मैं यार, क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड अगर ये वाला इफेक्ट अपना वीडियो में ज्यादा सिक दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर चला जाना है अगेन, एंड इसका एडजस्ट में चला जाना है, एंड जेंडर से रहेगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है।
देन उसके बाद आपको इस वीडियो को स्वाइप कर लेना है। एंड अभी रुको जरा, सबर करो। देन उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन अगेन चले जाना है न्यू प्रोजेक्ट में एंड अपना वीडियो को ऐड कर लेना है। देन इसमें हम ऐड करेंगे मोशन ब्लर को। देन ब्लर रहेगा उसको आपको 60 के आसपास कर देना है। ये वाला मोशन ब्लर को ऐड करने के बाद वीडियो गॉड लेवल लगेंगे। ओके, देन उसके बाद आप हो सके तो इसमें कलर ग्रेडिंग भी ऐड कर लेना। मैं हो सकते थे तो इसको पहले भी ऐड कर सकता था, बट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि देखेंगे यार अच्छा लग रहा है तो ऐड करेंगे। ओनली आपको जो ग्रीन रहेगा उसको आपको माइनस कर देना, ठीक है, सैचुरेशन को। देन जो यहाँ पर बिगिनर रहेगा आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। देन उसके बाद जो शार्पनेस रहेगा उसको आपको इंक्रीज करना ही है, क्योंकि देखो अपना वीडियो को जूम करेंगे इधर उधर करेंगे तो क्वालिटी तो फटेगा ना, इसके लिए आपको इसको इंक्रीज कर देना। देन इसको आपको अपना वीडियो के हिसाब से। देन उसके बाद हमारा वीडियो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला वीडियो जितना ज़्यादा हार्ड दिख रहा था उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था,